कुछ दिनों बाद वही शिकारी फिर से जंगल में आए शेर सिंह को पकड़ने। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर अपना पिंजरा टांग दिया और शेर सिंह का इंतजार करने लगे। तभी शेर सिंह घूमता हुआ उसी पेड़ के नीचे गुजर रहा था। शिकारी ने रस्सी खींच दी और पिंजरा सीधे शेर सिंह के ऊपर गिरा। अब हम इसे चिड़िया घर में बेच के खूब पैसे कमाएंगे। शेर सिंह जोर जोर से दहाड़ने लगा। आह, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। फिर तो हमें इसे कुछ खिलाना चाहिए। अगर ये भूख के मारे कमजोर हो गया तो कोई इसे नहीं खरीदेगा। शिकारी को लगा कि शेर सिंह को भूख लगी है, इसलिए दोनों शेर सिंह को वहाँ छोड़कर गांव की तरफ उसके लिए कुछ खाना लाने चले गए। जंगल में कोई जानवर तो नहीं मिला, क्यों ना हम इस किसान को ही उस शेर का खाना बना दें? चलो इसे ही पकड़ के ले चलते हैं।